सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो एपी यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें जो है ना सम फाइंड करना है, मतलब कि इनका योग। अगर हम ऐसे भी सम करें तो हम इनका सम जो है फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है ना हमें आगे का जो नंबर्स है वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है, आपको पता है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है। तो चलिए उस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एपी दिया गया हो उसमें जो हमारा फर्स्ट जो नंबर होता है ना वो हमारा ए होता है। चाहे हमें ए बोल सकते हैं इसे, या हम इसे ए वन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंड जो नंबर होता है ये हमारा ए टू होता है, एपी का दूसरा पद होता है ये। एंड फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई एपी दिया गया हो और उसमें हमें जो है ना फर्स्ट जो इसके पद होते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमें पद दिया हुआ हो, ठीक है, और हमें यहाँ पे टोटल नंबर भी दिया गया हो कि कितने टर्म्स तक जो हमें इसके सम फाइंड करने हैं, तो इसमें हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। हमें इसमें जो है एसएन का फॉर्मूला लगाना होता है, मतलब कि सम ऑफ टोटल नंबर। तो हमें यहाँ पे नंबर्स तो तीन ही दिए गए हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि लगभग 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एपी में कुछ पदे जो है नहीं दिया गया होता है, हमें एक फॉर्मूले के थ्रू इसे करना होता है। तो सम ऑफ टोटल नंबर वाला हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें योग ज्ञात करने बोला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एन वाई टू इसका फॉर्मूला होता है, एन वाई टू प्लस में, इसमें प्लस तो नहीं आएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है। एसएन मतलब आपको मैंने बताया सम ऑफ टोटल नंबर, तो हमें बताया गया है कि लगभग 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो टोटल नंबर जो है यहाँ पे 10 है, बाकी जो यहाँ पे नंबर्स जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, बट 10 है, यहाँ पे बताया गया कि 10 है। तो एन हमारा जो यहाँ पे हो जाता है 10, हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे जब आप लिखते हैं तो वहां पे जो है आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, और वो जो चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और हमें समझाया है। ए हमारा जो होता है फर्स्ट पद, मतलब कि फर्स्ट जो नंबर होता है वो हमारा ए होता है, तो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा ए है तो वो क्या है 2 है, ठीक है। और हमारा जो डी है ना, वो डी मैंने आपको बताया ए टू माइनस ए वन होता है, मतलब कि ये जो दो नंबर है इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा डी होता है डिफरेंस। तो ए टू हमारा 7 हो गया और ए वन हमारा जो हो गया 2, तो डिफरेंस क्या आ गया 5। अब हम आगे देखते हैं, तो एसएन हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर, नंबर तो हमें पता चल गया 10 है, हमें टोटल 10 नंबर का योग ज्ञात करना है, इनका सम एडिशन। तो 10 यहां पे हम लिख देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसे डिवाइड बाय करने लग जाए। एन हमारा क्या है 10, 10 बाय 2 ब्रैकेट में, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे प्लस कर दें, ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम 10 y 2 रख लेते हैं और हमारा 2 है और a जो है हमारा जो है वो है 2, ये आपको यहाँ पे देखिए ये जो a है हमारा वो 2 है, प्लस में n हमारा 10 है ये हमें पता है, माइनस 1, और d भी हमें पता है, d हमने यहीं पे फाइंड किया है 5। अब हम इसको जो है बड़े ब्रैकेट से कवर कर देते हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इससे भाग कर देना है, मतलब काट देना है, कैंसिल कर देना है, 2 5 10। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो अभी हम ब्रैकेट ही रहने देते हैं, हमें पहले अंदर वाला जो है जितने भी यहाँ पे नंबर है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 2 जब 4 हो गया, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब हम ब्रैकेट को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का आपको नियम पता ही होगा, BODMAS, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं। देखिए ये चीज तो अभी हम कर चुके हैं, डिवाइड हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जब 45 हो गया, प्लस में यहाँ पे 4 और ये ब्रैकेट में ही रख लेते हैं यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखें हमें एडिशन करना है, एडिशन उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा जो हो गया 49 49 into 5। अब हम जो है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 9 जा, ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 नहीं 45 के 5 और 5 24 और 4
24, 245 हो गए इसका आंसर। ठीक है, बाकी सेकंड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, वो भी मैंने कर रखा है।